टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में मुंबई से छात्र अनुराग जायसवाल की संदिग्ध मौत के बाद मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। चेंबूर पुलिस स्टेशन में एडीआर रजिस्टर किया है। आपको बता दें कि अनुराग जायसवाल की जो मौत है वो उसके फ्लैट पर हुई, जिसके बाद उसके दोस्तों की तरफ से उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों की तरफ से मृत घोषित करने के बाद उसे राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया। ऐसे में अनुराग जायसवाल जो है वो अपने दोस्तों के साथ टिस के कैंपस के बाहर प्राइवेट रूम लेकर रहता था, और जो पुलिस की तरफ से जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम का ये छात्र था। और ऐसे में बीते रात को वाशी में एक होटल में तमाम जूनियर और सीनियर्स की मिलकर एक पार्टी की गई, जहां पर शराब भी दोस्तों की तरफ से पी गई। और शराब पीने के बाद ये जब दोस्त अपने घर पर पहुंचे, रूम पर पहुंचे, तो रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। और सुबह जब ये सोकर उठे तब अनुराग की तरफ से कोई हलचल नहीं था, इस तरह की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद दोस्तों की तरफ से पास के अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद अब अनुराग की जो बॉडी है उसको राजावाड़ी अस्पताल में रखा गया है। परिवार यहाँ से नहीं है, परिवार जो है लखनऊ से है, और परिवार की अनुमति के बिना पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, तो पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि अलग अलग तरह से स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि क्या अनुराग को जबरदस्ती शराब पिलाई गई या फिर कोई और वजह है अनुराग की मौत के पीछे। तो परिवार जो है, पिता जो है अनुप जायसवाल, वो लखनऊ से मुंबई के लिए आ रहे हैं, और कल पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद तमाम तरह से चीजें सामने आएंगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच करे। जो दोस्त अनुराग के साथ रूममेट थे उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं, एडीआर जो है वो चेंबूर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, और आगे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असली वजह मौत की सामने आ पाएगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं अमृता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।